नहीं थम रही कांग्रेस और सपा के बीच छिड़ी सियासी जंग। अब अखिलेश के करीबी ने कांग्रेस को बताया अजगर और कह दिया कुछ ऐसा कि पारा हो गया हाई। अखिलेश के करीबी का बयान सुना तो राहुल हो गए आग बबूला, प्रियंका गांधी भी तिलमिला गई, तो वहीं सोनिया गांधी के रिएक्शन ने सबको चौंका दिया। दोनों दलों की बयानबाजी से गठबंधन हो रहा तबाह, मजाक का पात्र बनते जा रहे दल। कांग्रेस ने की शुरुआत और अब सपा ने लगा दिया तड़का। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए जो खानदान बनाया गया था, उस खानदान में अब फूफा और मौसा जैसा झगड़ा हो रहा है। न अभी बारात की तारीख पक्की है और न शगुन का कोई काम हुआ है, लेकिन उससे पहले ही विवाद ऐसा गहरा गया है कि अब हल्ला बोल हो रहा है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर छिड़ी सियासी जंग में अब यूपी भी सुलग रहा है और सियासी वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस ने जो चालाकी चली वो विरोधी दलों पर भारी पड़ रही है और कांग्रेस की करतूत से बीजेपी तमाम दलों को निशाने पर ले रही है। पहले कांग्रेस के नेताओं की जुबान पर कंट्रोल नहीं रहा तो बाद में सपा नेताओं ने खूब बयान दिए और हर रोज कांग्रेस वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव के करीबी नेता ने जमकर निशाना साधा है। आलम यह है कि अब सियासी पारा उफान पर है। अब अखिलेश यादव के करीबी नेता ने कांग्रेस पार्टी को अजगर करार दिया है, जिससे फिर से आरोपों के तीर एक दूसरे की तरफ से दागे जा रहे हैं। इस बीच महान दल के नेता केशव देव मौर्य ने कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान दिया और सपा को छोटे दलों के साथ गठबंधन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अजगर है, वो छोटे दलों को निगल जाएगी, इसीलिए सपा को कांग्रेस से प्री पोल अलायंस नहीं करना चाहिए। केशव देव मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सलाह दी। उन्होंने कहा कि सपा को कांग्रेस से प्री पोल की बजाय पोस्ट अलायंस करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि 2017 में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस ने करीब 115 या 117 सीटें ली थी और सारी हार गई थी। इसका सपा को भी नुकसान हुआ और 47 सीटों पर ही जीत मिल पाई। केशव देव मौर्य ने कहा कि सपा अगर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन करेगी तो उसे लोकसभा की सीटें ज्यादा नहीं मिलेंगी, कांग्रेस कम सीटें तो नहीं लेगी। यूपी में कांग्रेस की हैसियत एक लोकसभा और दो विधानसभा की है, लेकिन कांग्रेस मानेगी नहीं कि उसका 2% वोट बैंक है। वो दावा करेगी कि वो बड़ी पार्टी है और कम से कम 20 25 सीटें मांगेगी। इतनी सीट लेने के बाद सारी सीट हार जाएगी, क्योंकि उसका यूपी में कोई संगठन तो नहीं है। इसका फायदा बीजेपी को होगा। महान दल के नेता ने कहा कि इस बार बीएसपी चुनाव में ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। पिछली बार की तरह सपा गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के बीच आमने सामने का मुकाबला होगा। सपा और बीजेपी के साथ जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहां की सारी सीटें बीजेपी जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर सपा छोटे दलों के साथ आती है और पूरे धैर्य और रणनीति के साथ बीजेपी का मुकाबला करती है तो छोटे दलों के साथ आसानी से 40 से 50 सीटें जीत सकती है। केशव देव ने कहा कि कांग्रेस अजगर है, वो सारे क्षेत्रीय दलों को निगल जाएगी, क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देगी। बीजेपी और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मामले में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा खराब है। जातीय जनगणना कांग्रेस ने रोकी, मंडल आयोग कांग्रेस ने लागू नहीं किया, वीपी सिंह ने लागू किया, वो नेताजी मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और बहन मायावती के दबाव में लागू किया गया था। केशव देव मौर्य ने और भी बहुत कुछ कहा और ऐसे ऐसे दावे किए जिनसे सियासी पारा एकदम हाई है। केशव देव मौर्य के बयान के बाद जहां सोनिया गांधी का माथा ठनका हुआ है तो वहीं प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी हैरान हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। डैमेज कंट्रोल होने की जब जब उम्मीद की जाती है तब तब विवाद बढ़ जाता है और अब केशव देव मौर्य ने तड़का लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।